कैलाश पर्वत इस दुनिया का सबसे रहस्यमय पर्वत है। कैलाश पर्वत भारत के उत्तरी पड़ोसी देश तिब्बत की पर्वतीय श्रृंखला है। कैलाश पर्वत को भगवान शिव का घर माना जाता है। ये पर्वत दुनिया का सबसे पवित्र पर्वत है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6638 मीटर है। वहीं माउंट एवरेस्ट की लंबाई कैलाश की तुलना में लगभग 2 किलोमीटर अधिक है। और आज तक माउंट एवरेस्ट, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, एवरेस्ट पर आज तक लगभग 7000 से लोग सफल चढ़ाई कर चुके हैं, पर एवरेस्ट से 2000 मीटर छोटे कैलाश पर अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया है। यह एक अद्भुत रहस्य है। भगवान शिव के इस निवास स्थल से जुड़े अनेक रहस्य, इसके कुछ रहस्य जो आप नहीं जानते होंगे, आज के इस वीडियो में हम कैलाश पर्वत की कहानी, इतिहास एवं रहस्य के बारे में विस्तार से जानेंगे। वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कैलाश पर्वत देवों के देव महादेव का सबसे पसंदीदा स्थान था, जिस पर भगवान शिव, पार्वती, गणेश तथा कार्तिकेय के साथ रहते थे। कैलाश पर्वत पर ही रावण ने भगवान शिव की आराधना की थी। एक बार रावण ने अपने अहंकार में डूबकर कैलाश पर्वत को उठाने के लिए बहुत ही ज्यादा इच्छुक हुआ था। रावण ने भगवान शिव को कैलाश से आने को कहा, पर शिव जी ने रावण की बात नहीं सुनी और अपने ही स्थान पर विराजित रहे। रावण ने कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया, पर वह इसमें असफल रहा। आखिरकार रावण अपने अहंकार से हार गया और ब्रह्मा जी से अपनी इस गलती की क्षमा मांगने लगा। पर ब्रह्मा जी ने शिव जी से कहा और शिव जी ने कहा, यहाँ केवल सच्चाई और सदाचार चलता है। ये पर्वत अहंकारियों के अहंकार का विनाश करने वाला स्थान है, इसी कारण इस स्थान पर पवित्र आत्माएं ही पहुंच सकती हैं। इस पर्वत में 100 से अधिक छोटे पिरामिड हैं, जिनके जुड़ने से इस पर्वत का निर्माण हुआ और यहां पर कैंपास भी काम नहीं करता। कैंपास की जो सुई है वो तेजी से आगे भगने लगती है। कैलाश पर्वत को हिंदू, बौद्ध तथा जैन धर्मों में इसे पवित्र स्थान माना गया है। कैलाश पर्वत पर दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी का झील मानसरोवर झील इस पर्वत पर है। मानसरोवर संस्कृत के मानस, जिसका मतलब है मस्तिष्क, और दूसरा सरोवर, जिसका मतलब है मन का सरोवर। मानसरोवर झील की लंबाई 320 मीटर है तथा मानसरोवर झील का आकार सूर्यकार का है। माना जाता है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय इस झील में भगवान स्वयं स्नान करने के लिए आते हैं तथा इसमें एक बार स्नान कर लेने वाले व्यक्ति का मोक्ष हो जाता है। मानसरोवर के विपरीत दिशा में राक्षस झील है। राक्षस झील की लंबाई 225 मीटर है और इसका आकार चंद्राकार है। इस झील का निर्माण राक्षसों के राजा रावण ने किया था तथा इसी नदी के किनारे रावण ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। राक्षसताल झील दुनिया की सबसे ऊंचे खारे पानी का झील है। मानसरोवर झील, इसमें कल्प वृक्ष है जो हर मनोकामना को पूरा करता है। इस वृक्ष के फल के सेवन से जीवन सफल बन जाता है, पर इस वृक्ष तक पवित्र आत्मा वाला इंसान ही पहुंच पाता है। यहाँ दोनों झील यहाँ कैसे बनी, इसको लेकर वैज्ञानिक आज भी शोध कर रहे हैं। इसी कारणों से कैलाश पर्वत अद्भुत और रहस्यमय कहा जाता है। कैलाश पर्वत का आकार ही चूराभुजा है, जिससे दिशाओं का ज्ञान होना आसान हो जाता है। इस पर्वत का ऊपरी भाग बर्फ से ढका रहता है, जिस कारण ये सफेद दिखाई देता है। इस पर्वत का एक स्थान का नाम यमराज भी है। इस स्थान का नाम यमराज इसलिए दिया गया क्योंकि इस जगह पर यमराज रहते थे और कई लोग दावा करते हैं कि आज भी इस स्थान पर यमराज विराजित हैं। इस चोटी से कैलाश पर्वत की परिक्रमा प्रारंभ हो जाती है और लगभग 50 किलोमीटर लंबी यात्रा तय करने के बाद वापस यमराज के पास पहुंचते हैं, यानी एक परिक्रमा पूरी होती है। तिब्बत चीन का अधीन है, इसलिए चीन ने इस पर्वत को फतह करने के लिए अनेकों प्रयास किए, पर आज इस पर्वत पर कोई नहीं चढ़ पाया। पर्वतारोहियों का मानना है कि इस पर्वत की चढ़ाई चढ़ने पर व्यक्ति की दिशा एवं ज्ञान जितना भी होता है वो भूल जाता है। कई यात्रियों का मानना है कि इस पर्वत पर अलौकिक शक्तियों का वास है, जिस कारण ये शक्तियाँ इस पर्वत पर चढ़ने से रोकती हैं। अलौकिक शक्तियों के कारण कई बार आश्चर्यजनक घटनाएं भी घटित हुई हैं। तो कई बार साफ मौसम में एकदम तेज बर्फबारी हुई तो कई बार रास्ता ही गायब हो गया, इसलिए आज तक कोई भी कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया। कैलाश पर्वत के भीतरी भाग से डमरू तथा ओम की ध्वनि उत्पन्न होती है, जहां भगवान शिव इस पर्वत में मौजूद हैं और वो डमरू बजा रहे हैं। पर वैज्ञानिकों के आधार पर ये ध्वनियां बर्फ के पिघलने से उत्पन्न होती हैं। कैलाश पर्वत पर समय बहुत तेजी से घटता है। पर्वतारोहियों का मानना है कि यहां पर बाल और नाखून बहुत तेजी से बढ़ते हैं तथा सामान्य दिनों में 7 दिनों में नाखूनों की लंबाई वहां मात्र 12 घंटों में बढ़ जाती है। पर्वत की इन अद्भुत शक्तियों के कारण कोई यात्री इस पर्वत पर विजय नहीं कर पाया, इसलिए चीन के सरकार से 2001 में अपनी अंतिम यात्रा प्रयास करने के बाद पर्वत की चढ़ाई पर प्रतिबंध कर दिया गया और आज इसकी चढ़ाई करना गैर कानूनी अपराध माना जाता है। कैलाश पर्वत पर कभी कभी 7 लाइटें जलती हैं, पर इस पर वैज्ञानिकों ने इसे अंतरिक्ष संपर्क को इसका प्रमुख कारण बताया है। कैलाश पर्वत पर कभी किसी के न चढ़ पाने के पीछे की कहानियां भी प्रचलित हैं। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि इस पर्वत पर ही मानव निवास करते हैं, जो अन्य लोगों को ऊपर जाने पर मार गिराते हैं, तथा कई लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ रहते हैं।
और जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ इंसान का पहुँच पाना असंभव है, इसलिए कोई जीवित इंसान वहाँ ऊपर नहीं पहुँच पाता। मरने के बाद या जिसने भी कोई पाप नहीं किया हो केवल वही इंसान इस पर्वत पर फतेह कर सकता है। कई पर्वतारोहियों का दावा है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ना असंभव है। रूस के एक पर्वतारोही सरंगे सिस्टिंग्याको ने बताया कि जब मैं पर्वत के बिल्कुल पास गया तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं उस पर्वत के बिल्कुल सामने था जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका था। अचानक मुझे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी और मन में ये ख्याल आने लगा कि मुझे यहाँ से ऊपर नहीं जाना चाहिए। उसके बाद उसने डिसाइड किया कि मैं वहाँ से ऊपर से नीचे आ जाऊँगा, और जैसे ही वो नीचे नीचे आता चला गया उसका मन हल्का होता चला गया। बता दें कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश लगभग 17 साल पहले 2001 में की गई थी, जब चीन ने स्पेन की एक टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी थी। इस पर्वत के चारों ओर अनेक शक्तियां विद्यमान हैं। इन शक्तियों के कारण व्यक्ति अपना मोक्ष कम समय में कैलाश पर्वत पर कर सकता है, इसलिए कई लोग कैलाश पर्वत के पास भक्ति भी करते हैं। ये भक्तों के लिए सबसे श्रेष्ठ स्थान है, और जिन्होंने यहाँ तक आकर कैलाश पर्वत के बारे में जाना उनको बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के बाद आप कैलाश पर्वत के बारे में क्या सोचते हैं हमें नीचे कमेंट करके बताएं।